हेलो फ्रेंड्स, अगेन यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो लेक्चर ऑन गॉथिक फिक्शन एंड दिस इज माय सेकंड वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अ गॉथिक फिक्शन एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द नॉवेल वैथिक एंड इट इज रिटन बाय विलियम बैकफोर्ड and this is my second video in which I am going to discuss gothic fiction and before I have discussed here the castle of otranto which was written by Horace Walpole and published in 1764 if you are going to prepare for any exam you have know the knowledge that which is the first novel of gothic literature so the castle of otranto is the first novel and in this video I will give you the detailed summary of the novel Vathi because it is very important for all the aspirants who are going to prepare for any exams of literature. But before starting the video, I would like to tell you that if till now you did not subscribe my channel, like my videos, please like and subscribe my channel and share with friends and other students who are going to prepare for UGC NET English literature. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे अच्छे से आपको नॉवल समझ आ जाए क्योंकि इस नॉवल का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये नॉवल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये नॉवेल वैदिक है, ये पब्लिश हुई थी 1782 में और ये 1782 में ये वर्क स्टार्ट हुआ था तो फ्रेंच में ये वर्क स्टार्ट हुआ था लिखना और एग्जैक्टली ओरिजिनली ये जो नॉवेल लिखी गई है वो फ्रेंच में लिखी गई थी। इसका जो सब टाइटल है वो है एन अरेबियन टेल। ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, आपको वर्क दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसका सब टाइटल क्या है। तो याद रखिएगा वैथिक और इसका सब टाइटल है एन अरेबियन टेल। जो राइटर है विलियम बैकफोर्ड है। इसका जो अभी फ्रेंच में लिखी गई थी और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किया था सैमुअल हैनली ने और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ था 1786-87 में। जब ये नॉवेल का फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन आया था तो इस नॉवेल का नेम था एन अरेबियन टेल फ्रॉम एन अनपब्लिश मैनुस्क्रिप्ट। इनके सेकेंड एडिशन में विलियम बैकफोर्ड का नेम नहीं था। ये इंफॉर्मेशन याद रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है वैथिक की। वैथिक जो कि इस नॉवेल का मेन प्रोटैगोनिस्ट भी होता है और उसको एक थर्स्ट होती है, एक ऐसी थर्स्ट जो कि एक नॉलेज के लिए होती है। अगर आप लोगों ने क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस पढ़ा होगा तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत तरीके से कई पॉइंट ऑफ व्यू में रिलेट करती है डॉक्टर फास्टस से। जैसे डॉक्टर फास्टस में एंड में वो हेल में जाता है, उसकी सोल को ले जाया जाता है, उसी तरीके से इस नॉवेल में भी वैथिक को देखिएगा कि लास्ट में वो हेल में किस तरीके से चला जाता है अपने सिन के लिए जो कि उसने सिन किए होते हैं। तो आइए इस नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। वैथिक जैसे कि मैंने बताया इसका मेन प्रोटैगोनिस्ट है और ये अपनी मदर, इसकी मदर का नाम है कैरथिस, ये अपने मदर के साथ रह रहा होता है। इसकी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही है, इसकी लाइफ में कोई भी इश्यूज नहीं है लेकिन ये बहुत ही एक मजेस्टिक किंग होता है। ऐसा किंग जो कि लोगों को बहुत डरा के भी रखता है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जो भी इसके बाप नहीं मानता है ये इसको अपने एविल आईज से देखता है, उनको पनिश करता है और अगर कोई भी इसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है या कोई इसकी बात नहीं मानता है तो ये पनिशमेंट देने के साथ साथ ही उसको प्रिजन में भी बंद कर देता है। अब ये जो किंग है ये बहुत अच्छा नहीं है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक दिन ये सोचता है कि मुझे कुछ नॉलेज गेन करनी है, ऐसी नॉलेज जो नॉलेज होगी एस्ट्रोनॉमी की। तो वो क्या करता है, कुछ स्कॉलर्स को अपने पैलेस में बुलवाता है, उनसे विजिट करता है और वो क्या देखता है कि अगर वो उन स्कॉलर्स को खुश कर पाया तो ठीक है, अगर वो स्कॉलर्स भी इसकी जो नॉलेज की थर्स है उसको अगर फुलफिल कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी इसको किसी तरीके से उनसे नॉलेज लेनी है। अगर वो खुश नहीं होते हैं
इसकी नॉलेज से, तो ये क्या करेगा कि ये उनको या तो उनको ब्राइब देगा, ब्राइब देने के बाद भी अगर वो लोग इसको नॉलेज नहीं देते हैं वैथिक को, तो ये क्या करेगा कि उनको प्रिजन में डाल देगा। तो वो टू स्कॉलर्स इसके यहाँ आते हैं, इससे बात करते हैं, लेकिन वो फिर स्केप कर जाते हैं यहाँ से, इससे बात करने से मना कर देते हैं और वो लोग इसको नॉलेज देने से भी मना कर देते हैं। अब ये क्या करता है, इसका जो किंगडम है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इसकी प्रजा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसको जो नॉलेज के थर्स्ट है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा है। अब ये क्या करता है, एक दिन इसके यहाँ एक आउट स्ट्रेंजर आता है जो कि क्या कर रहा था, तलवार बेच रहा था, सावर्स बेच रहा था। तो ये क्या करता है, उस मर्चेंट से कुछ सावर्स खरीद लेता है और वो खरीद के अपने पास रख लेता है। अब जो मर्चेंट होता है, ये मर्चेंट को कुछ कहता है करने के लिए, लेकिन मर्चेंट इसकी बात नहीं मानता है, इसका ऑर्डर नहीं मानता है, तो ये गुस्से में क्या करता है कि उस मर्चेंट को जेल में बंद कर देता है। नेक्स्ट डे इसको ये पता चलता है कि वो जो मर्चेंट है वो यहाँ से भाग गया है, तो इसको बहुत ही खराब लगता है। इसकी मदर इसको बोलती है कि तुम्हें उस मर्चेंट के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, काइंडली बिहेव करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसको लगता है कि हाँ शायद मेरी मदर सही बोल रही है कि मुझे उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था। अब ये क्या होता है कि एक दिन सुबह जागता है तो ये देखता है कि उन सावर्स में जो कि तलवार से मर्चेंट से खरीदी थी उसपे ना कुछ वर्ड्स इंस्क्राइब हुए हैं, कुछ चीजें को एक मैसेज लिखा हुआ है। तो ये परेशान हो जाता है वैसे कि एग्जैक्टली वो कहाँ से मैसेज आ गया, उस मैसेज का मतलब क्या है। ये बहुत कोशिश करता है कि उन वर्ड्स का, उस मैसेज का मतलब निकालने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं निकाल पाता है। तो एक ओल्ड मैन को बुलाता है, ओल्ड मैन उस सावर्स के मैसेज का मतलब भी बताते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डे वो फिर से जाता है तो क्या देखता है कि उस सावर्स में वो मैसेज चेंज हो गया है और अब उस अब दूसरा मैसेज वहां पे आ गया है। तो वो गुस्सा जाता है और वैदिक बहुत ज्यादा, और उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैंने आपसे कहा था, आपने तो मुझे गलत मतलब बताया। तो ओल्ड मैन कहता है कि आप मेरी बात का बिलीव करिए, मैंने आपको सही बताया था, लेकिन अभी ये मैसेज चेंज हो गया है, कल इसमें कुछ और मैसेज था। और वो डर की वजह से वो ओल्ड मैन वहां से क्या होता है, वहां से निकल जाता है। अब ये जो वैदिक है ये बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि एग्जैक्टली क्या करे क्या ना करे। तो उसको बहुत तेज प्यास लगती है, जब इसको बहुत तेज प्यास लगती है तो ये क्या करता है कि एक माउंटेन हिल पे जाता है जो सबसे टॉप पे होती है। वहां पे 4 माउंटेन्स होते हैं, उनमें से एक माउंटेन्स का ये वाटर पीता है, लेकिन फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। तो वहां पे एक मैन होता है, वो उसको पोषण पिलाता है, उस पोषण को पी के इसकी प्यास बुझ जाती है और ये अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अभी भी उसको उस मर्चेंट की याद आ रही थी। अब इस मर्चेंट की उसको आवाज सुनाई देती है, तो वो मर्चेंट इसको ये बोलता है कि अगर तुम मेरी पूजा करोगे, अगर तुम मेरा कहा हुआ मानोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दूंगा जिसका कोई एंड नहीं होगा। मैं तुम्हें तिलिस्म में सिखाऊंगा, वो तिलिस्म जिससे तुम पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर पाओगे, बस तुम्हें उसके लिए मेरे कमांड मांगने होंगे। तो ये कहता है कि सोचता है कि ठीक है, मैं उसकी कमांड मानने के लिए तैयार हो जाता है। और यही पे वो उस मर्चेंट को यहाँ पे क्या कहते बुलाता है, यहाँ पे गावर, ये मर्चेंट, इस मर्चेंट ये वही मर्चेंट है जिसने कि इसको तलवार दी हुई थी। अब इस मर्चेंट को यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये गॉबर कहके बुलाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है उसको बताता है यहाँ पे इंग्लिश कि वो इब्लिश है, मैं उसके पैलेस में, उसके किंगडम में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा जहां तुम अपनी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ पे वैसे उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, और जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हारा कमांड मानूंगा, क्योंकि उसको लालच था कि यहाँ पे मुझे एक गोल्डन की मिलेगी,
मुझे एक बहुत ऐसी पावर मिलेगी कि मैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाऊंगा। अब उसका कमांड ये था कि उसको 50 चिल्ड्रन को सैक्रिफाइस करना था। तो वो इसके लिए क्या करता है कि वो अपने यहाँ एक कंपटीशन रखता है। उस कंपटीशन में वो नोबल लोगों के बच्चों को बुलाता है और एक पोर्टल क्रिएट कर लेता है, एक ऐसा पोर्टल जो कि एक वुड, एक डार्क वुड का बना हुआ था। अब यहाँ पे वो उन बच्चों को बुला लेता है, वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है और उन 50 बच्चों को सैक्रिफाइस कर देता है और उस पोर्टल को डिसअपीयर कर देता है। अब जब लोग उन जो सारे नोबल्स थे वो जब इसको देखते हैं अकेला तो बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को तुमने सैक्रिफाइस कर दिया है तो अब हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। सारे पूरी मॉब इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पे बैथिन को मारने लगते हैं। तो उसकी जो मदर होती है यहाँ पे कैराथिस, वो क्या करती है, वजीर जो कि यहाँ पे ये वैदिक का वजीर होता है मुरकानाबाद, इसको बोलती है कि तुम जाओ और यहाँ पे इसको वैदिक को बचा लो उस भीड़ से, नहीं तो ये भीड़ क्या करेगी, इसको मार डालेगी। तो ये मुरकानाबाद जाता है, लोगों को समझाता है, वो कंसोल करता है और यहाँ पे क्या करता है, वैदिक को बचा लेता है। अब जब ये लोग वापस आते हैं यहाँ पे तो ये इसकी मदर कहती है कि तुम्हें तो मैं वो पावर दिला के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसकी मदर क्या करती है, सबसे टॉप हिल पे प्लानिंग करती कि हम लोग वहां पे जाएंगे। ये वहां पे जाती है अपने बेटे बैथे को लेके और वहां पे ऑयल मिक्स कर देती है और वहां पे फायर जला देती है, जिससे जो वहां की पब्लिक होती है, मॉब होती है, वो ये सोचती है कि शायद बैथे वहां पे जल ना जाए, मुझे उसको बचाना चाहिए। तो जब वहां पे मॉब बचाने जाती है तो यहाँ पे इसकी मदर की जो पहले से प्लानिंग थी कि जितने भी आर्थ के जिन है, जितने भी लोग हैं हम उनको भी सेक्रीफाइस कर देंगे। अब यहाँ पे जब पूरी मॉब ऊपर बचाने जाती है तो इसकी माँ क्या करती है, सबको उसमें धक्का दे देती है और इस तरीके से सबका सेक्रीफाइस कर देती है और ये लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसकी माँ बोलती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें कहाँ जाना है, इक्तिकार जाना है, जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के लिए गौर ने बोला था, गावर मतलब ये तुम्हें मर्चेंट ने बोला था जाने के लिए, वहीं जाके तुमको वो गोल्डन की मिलेगी। ये वहां पे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और अपनी मदर को और वजीर को मुरकानाबाद को अपने किंगडम में छोड़ देता है उसकी केयर करने के लिए। और यहाँ से अपनी वाइफ को लेकर जिसका नाम होता है यहाँ पे सुल्ताना दिलारा, ये कौन है यहाँ पे, ये इसकी सबसे फेवरेट वाइफ होती है। वैसे तो इसकी किंग है, इसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं लेकिन ये इसकी मोस्ट फेवरेट होती है और ये इसको ही लेके इस्तिखार जगह होती है वहां पे ये चला जाता है। अब जब ये जा रहा है तो इसको रास्ते में कई जगह ये रुकता है, इसके ऊपर कुछ अटैक भी कर देते हैं लेकिन फिर भी ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। बाद में ये एक जगह पहुंचता है जहां पे इसको एक ओल्ड मैन मिलता है, उस ओल्ड मैन का नाम होता है इमिर। ये ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ का मतलब होता है ना जो बौने लोग होते हैं, ह्यूमन शेप में होते हैं। ये वहां पे जाता है तो इसको ये मिलता है। ये लोग मुस्लिम होते हैं इस्लाम, यहाँ पे जो यहाँ पे गावर होता है ये भी इस्लाम होता है और इसका ये पर्पस था वैदिक से कि तुम भी इस्लाम को रिनाउंस करो। अब ये जो वैदिक होता है अपनी वाइफ सुल्ताना दिलारा के साथ पहुंचता है तो इसको इमिर मिल जाता है। ये क्या करता है, इमिर इसकी बहुत केयर करता है, ये इमिर क्या रात को रुकते हैं क्योंकि ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे थक चुके होते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो डॉटर होती है नौनिहा, ये इमिर की डॉटर है, यहाँ पे ये नौनिहार से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो ये इससे कहता है कि मैं इससे मैरिज करूंगा, लेकिन जो नौनिहार होती है वो बोलती है कि मेरी शादी ऑलरेडी मेरे कजिन के साथ फिक्स हो चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो ये क्या
क्या करता है, यहाँ पे वैथिक एक मैन को हायर करता है किस लिए, कि इसके कजिन को किडनैप कर ले और जिससे ये नौनिहार को सीड्यूस कर सके। इस प्लानिंग का पता चल जाता है नौनिहार के फादर इमिर को। तो इमिर यहाँ पे क्या करता है, वैथिक को मारने के लिए दौड़ता है कि मैं वैथिक को मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे उसकी डॉटर नौनिहार क्या करती है, वैथिक को बचा लेती है। अब यहाँ बचाने के बाद इसके फादर इमिर, नौनिहार के फादर इमिर यहाँ पे ये प्लानिंग करते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं नौनिहार को और उसके कजिन को जिसके साथ की मैरिज फिक्स हुई थी, मैं इन दोनों को ड्रग्स देके और नशीली दवा देके एक केव में छुपा दूंगा और मैं ये अनाउंस कर दूंगा कि इसकी डेथ हो गई है, जिससे मैं अपनी बेटी को और उसके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को, क्योंकि इसका कजिन था, मैं वैथिक से बचा सकूं। ये ऐसा ही करता है, इसको इसका जो प्लान होता है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन छुपा तो देता है, लेकिन जब इसको नौनिहार को होश आता है तो ये वहां से केव से निकलती है और फाइंड आउट करती है कि वो किस वैली में है, उसको यहाँ पे क्यों छुपाया गया। तभी उसको वैथिक मिल जाता है यहाँ पे, वैथिक जो कि इसकी डेथ पे रो रहा होता है। तब इन दोनों को ये रियलाइज होता है कि क्या है, इसकी डेथ का एक झूठा नाटक किया गया था कि इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इसकी डेथ नहीं हुई थी। अब यहाँ पे वैथिक इसको बोलता है कि तुम अपने कजिन को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पे नौनिहार होती है जो उसके शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके प्रपोजल को मान के वो अपने कजिन को छोड़ देती है। अब यहाँ पे उसकी मदर किंगडम में, जो वैथिक की मदर होती है यहाँ पे कैराथिस, ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि वो अपने बेटे की सारी इंफॉर्मेशन स्टार्स के थ्रू लेती थी, लेकिन अब उसको अपने बेटे की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार्स के थ्रू नहीं मिल रही होती, तो सोचती है कि क्या प्रॉब्लम है। तभी उसको एक लेटर मिलता है और वो लेटर लिखा था सुल्ताना दिलारा ने, वैथिक की वाइफ ने, सुल्ताना दिलारा ने वो लेटर लिखा था मदर को, और उसमें ये बताया था कि वैथिक ने क्या किया है कि यहाँ पे गावर जो मर्चेंट था, इसके जो भी कमांड्स थे उस रास्ते पे चलना इसने छोड़ दिया है, और रास्ते में हमको मिला था फखरुद्दीन, और इसने फखरुद्दीन के हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके सारी चीजों को, उसकी जो बाइंडिंग थी, जो भी एक डील फाइनल हुई थी, उसको ब्रेक कर दिया है। इसकी मदर यहाँ पे सुनती है और यहाँ पे जो वैथिक होता है ये यहाँ पे सुल्ताना दिलारा को छोड़ देता है और यहाँ पे नौनिहार को लेकर चला जाता है। फाइनली ये लोग इफ्तिखार पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये लोग जाना चाहते थे। वहां पे पहुंचने के बाद इनको मिलता है वहां पे मर्चेंट, ये गावर ये मर्चेंट मिलता है ये, और ये दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और अब हम लोग उस तिलिस्म को सीखेंगे जिससे हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे जो मर्चेंट होता है, जो गौर होता है, वो इसको वेलकम करता है और उस गोल्डन प्लेस पे ले जाता है जहाँ पे कौन होता है, सलमान डी दाऊद भी होता है। अभी सलमान डी दाऊद कौन है मैं आपको बताती हूँ। और वर्की पे इसको बहुत सारे जिन्स भी मिलते हैं और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको ये वैथिक होता है बहुत अच्छे से जानता है। और वहां पे जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो ये उस मर्चेंट से पूछता है कि आप मुझे वो गोल्डन की दो। तो ये क्या करता है, जो मर्चेंट होता है उस गोल्डन की से वो दरवाजा खोलता है और इसको अंदर लेके जाता है जहां पे किसका किंगडम होता है, इबलिस का किंगडम होता है। और इबलिस का किंगडम होता है, ये वहां पे जाता है तो बोलता है कि मुझे वो एंडलेस पावर चाहिए। तो ये बोलता है कि वो तुम्हें तो पावर नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने इतने सिन जो किए हैं, मतलब बताता है कि तुमने उन 50 बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया और कहता है कि अर्थ में हम कुछ जिन ऐसे होते हैं जो दूसरों को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और तुम ऐसे ही एक जिन के कहने पे आ गए और तुमने बहुत सारे वहां पे सिन भी किए। अब उस सिन की ये सजा है कि तुम यहीं पे ही रहोगे
अपने लास्ट टाइम तक। तो ये बात सुन के इसको बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत ज्यादा डिसकंटेंट भी हो जाता है और नौनिहार भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिसकंटेंटेड फील करती है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे छोड़ दो, मैंने जो भी डील साइन की थी वो मैं सब वापस लेता हूँ, मुझे वो डील नहीं फाइनल करनी है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये अपने एक डेविड को, इरफिट को, मतलब अपने ही एक डेविड को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और किंगडम से मेरी मदर को लेके आओ। अब ये इसकी मदर को लेके वहां पे आ जाता है तो ये अपनी मदर को सारी चीजें बताता है कि देखो हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे परेशान किया गया, लालच दिया गया और हम लोग इनकी बातों पे आ गए और अब हम लोगों को यहीं पे ही रहना पड़ेगा इस हाल में, जो कि जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास था, इब्लिश के पास था। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती हैं तो यहाँ पे इसको सोलोमन डी दाऊद भी मिलता है। सोलोमन डी दाऊद वो था जिसको कि पनिशमेंट दी गई थी, वो एक वॉटरफॉल के पास बैठा था और उसको उस वॉटरफॉल के पास तब तक बैठना था जब तक कि वॉटरफॉल अपने आप से स्टॉप ना हो जाए, उसको पूरी लाइफ वहां तक नहीं रहना था, ना ही उसको एग्जीक्यूशन दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे वो गावर, वो मर्चेंट और इंग्लिश बताते हैं कि उसके मन में अभी भी गॉड के लिए प्रेम था और उसके अंदर भक्ति थी और वो रिलीजन के लिए अभी भी सीरियस था, उसके हार्ट में गॉड के लिए एक प्लेस अभी भी है, जिसकी वजह से वो इस हेल के एग्जीक्यूशन से बच गया। लेकिन तुम लोग यहाँ पे नहीं बच सकते। अब इसके बाद यहाँ पे वैद्य क्या देखता है कि उसके जैसे और भी लोग हैं वहां पे जो अपने ही एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होते हैं। जब ये सारी बात यहाँ पे वैद्य देखता है तो यहाँ पे ये पछताता हुआ रह जाता है और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर पाता है और इस तरीके से नॉवेल यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जैसे डॉक्टर फास्टस का लास्ट में हाल हुआ था, वो लास्ट में कहने लगा कि नहीं, जो भी मैंने डील साइन की है मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हेल में नहीं जाना चाहता। इस नॉवेल में सेम वैसे ही वैथिक भी वैसे ही बोलता है कि मैं वो डील क्या करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि वो भी हेल में रहना नहीं चाहता था। जैसे डॉक्टर फास्टस के अंदर एक थर्स ऑफ नॉलेज थी, उसने भी बहुत सारे सिन किए थे अपनी पूरी लाइफ में अपने सोल को बेचकर, वैसे ही यहाँ पे वैथिक ने भी क्या की, सारी चीजें करी, सारे सिन किए जिसका उसको लास्ट में रिजल्ट मिला। तो अभी इस नॉवेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती बुक।